तेरे शिवनि जो ज्ञानी तू सुख देता अपन गुरु स्वामी ध्यान लगा जो तुझे पुकारे तुझको में पा जाए सारे अनंत असीम अनादि जो है सबका पालक रक्षक वो है कुछ भी न कुछ भी बन ना पाए करता सब को बनाता पेड़ पौधों में फल तो लगाता तू देता तू ही खिलाता तू पालन करता बन माता पीर पैगंबर औलिया सारे परम मात कह तुझे पुकारे घर में पिता पे जननी भगवती माता कुछ सा और नहीं कोई दाता सिद्ध ऋषि मुनि सत महाज्ञानी भोग भोग नाते तुझ जानी हे अंतर्यामी मेरे स्वामी तेरे ध्यान समाधि में चुरमता दिन किसी का सब कुछ तेरा यह जग सपना रण बसेरा नमस्कार तुझ जग के स्वामी चरण लगा लो अंतर्यामी मैं मेरी सब ही मिट जाए मेरी आत्मा तुझ में समाए जन्म मरण से मिले छुटकारा भव सागर से मिले किनारा अंतकाल तेरा नाम आते मुक्त हो तेरे धाम को जाते हे अंतर्यामी मेरे स्वामी राम नाम के छाप से हो जाए कल्याण जग बंधन से मुक्त हो पाओ तेरा ध्यान काम क्रोध मुझे घेर न पाए अंतराम नाम मन लाए सुफल राम मिलो अंत पुकार शांति आनंद का है जो सार तेरा जी तुझ में समावे तुझ में मिले तेरा हो जावे पाप कष्ट से मुझे बचाना भव सागर से पार लगाना जन्म मरण छुटकारा पाऊं अंत धाम तेरे में समाऊं मोह ममता इच्छा मिट जाए जगदी झुका रहूं तेरी ओर मैं
जगत के सदा कृपा पाऊं तेरी राम राम कहूं राम तेरे चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम बारंबार प्रणाम भगवान तेरी जय होवे परिपूर्ण भगवान तेरी जय होवे जय होवे तेरी जय होवे जय होवे श्री राम तेरी जय होवे सुख शांति भटक न जाऊं तेरा प्रेम मैं कैसे पाऊं भटक न जाऊं मेरी उंगली पकड़ दे राम मेरी उंगली पकड़ दे समझ नहीं मैं पाता हे जग जननी माता कुछ समझ नहीं मैं पाता हूँ बाल तेरा अनजान हूँ बाल तेरा अनजान तेरा भटक न जाऊं तेरा प्रेम मैं कैसे पाऊं
बिन दर्शन तेरा पाए यूं जीवन बीत न जाए, बिन दर्शन तेरा पाए मेरी पीड़ा प्रेममयी जान, मेरी पीड़ा प्रेममयी जान। हेरा कैसे पाऊं, भटक न जाऊं, भटक न जाऊं तेरा प्रेम मैं कैसे पाऊं। सब जीवों में तुझको मानूं, तेरी पूजा पाठ न जानूं, सब जीवों में तुझको मानूं, तेरी पूजा पाठ न जानूं, सब जीवों में तुझको मानूं। हे परम परम पुरुष महान, हे राम हे राम तेरा प्रेम मैं कैसे पाऊं, भटक न जाऊं, भटक न जाऊं तेरा प्रेम मैं कैसे पाऊं। सबका पालनहार मेरी प्रार्थना करो स्वीकार, तू सबका पालनहार मेरी प्रार्थना करो स्वीकार, निष्काम कर ये पुकार, निष्काम कर ये प्रेम मैं कैसे पाऊं, भटक न जाऊं, भटक न जाऊं तेरा प्रेम मैं कैसे पाऊं, भटक न जाऊं, भटक न जाऊं तेरा प्रेम मैं कैसे पाऊं, जब से सतगुरु ने उस परमात्मा का नाम देकर उस परम के मार्ग पर चलना सिखा दिया, हमारे मन को, हमारे मन की वृत्तियों को इस संसार से हटाकर
ईश्वर का मार्ग दिखा दिया। जब से हमने इस पर चलना आरंभ किया, उस परमात्मा का प्रेम पा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी प्यास है जितना पाते जा रहे हैं ये प्यास और बढ़ती जा रही है। यहीं पर बस नहीं है, पा लिया मेरी झोली भर गई, नहीं, और उस परमात्मा के प्रेम में डूबते जाएं। झोली कैसे भरेगी? क्योंकि मार्ग ही अनूठा है, जितना उसका प्रेम हमारे अंदर परमात्मा उडेलता जा रहा है उसे हम उसके बंदों में बांटते चले जा रहे हैं, तो कैसे प्यास बुझेगी? परमात्मा और दे अपना प्रेम, क्योंकि मुझे तो जितना लेने में आनंद आ रहा है उतना ही बांटने में भी आनंद आ रहा है। इसीलिए झोली नहीं भरती, रोज लेते हैं, रोज बांटते चले जाते हैं, लेकिन साधक कह रहा है आज भटक न जाऊं, मेरी उंगली पकड़ ले राम। ये जिस मार्ग पर परमात्मा सतगुरु की कृपा से हम चल पड़े हैं, इतना आसान मार्ग तो नहीं है, ये तो हम भी समझ गए। ठीक है, बहुत आनंद है, पर फूलों की सेज तो नहीं है, कांटे भी बिछे हैं राह में, कंकर पत्थर भी हैं। जैसे मीरा कहती है, कांटे पत्थरों पर है चलना। तो जीवन में तेरे मार्ग पर चलते चलते रास्ते में बहुत दोराहे आ जाते हैं, चौराहे भी आ जाते हैं, जैसे संसारी मार्ग पर आते हैं वैसे ही उस परम के मार्ग पर भी आते हैं। लेकिन ये तेरा बालक तो अनजान है, हूँ बालक तेरा अनजान, हे जग जननी माता कुछ समझ नहीं मैं पाता। जब तेरी राह पर ऐसा मोड़ आता है तो मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि तेरा अबोध बालक हूँ। ऐसे समय पर
दो ही उंगली पकड़ लेना प्रभु, कहीं मैं अपनी बुद्धि के अनुसार चला तो भटक ना जाऊं। जो तूने उंगली थाम रखी होगी तो मुझे उस मार्ग पर ले जाओगे आप, जो तेरी ओर जाता है। यूं जीवन बीत न जाए बिन दर्शन तेरा पाए, कहीं मैं मार्ग भटक कर अपनी इच्छा अनुसार चलकर इतनी दूर ना निकल जाऊं कि ये जो मुझे तूने अनमोल जीवन दिया है यूं ही व्यर्थ ना चला जाए। तेरा दर्शन पाए बिना ही कहीं ये जीवन लीला समाप्त न हो जाए प्रभु। मेरी पीड़ा प्रेम मई जान, पहले तो जन्मों से भटकता भटकता इस जन्म में तेरी कृपा हुई, तेरा मार्ग मिला, तू मेरी पीड़ा समझ राम। जो मार्ग इतनी कठिनता से मिला उस मार्ग से भटक कर कहीं इस जन्म को भी यूं ही न खो दूं, तेरी पूजा पाठ न जानू, सब जीवों में तुझको मानू। इस संसार ने मुझे भटकाने के लिए कैसे कैसे कर्म कांड सिखाए और शायद कई जन्मों में मैंने ये किया भी है। लेकिन तेरी अपार कृपा से अब तेरा जो सच्चा मार्ग मिला तो ये जान गया, सभी जीवों में तेरा नूर देखता हूँ, सब जीवों से प्रेम करता हूँ। तू सबका पालनहार है तो मेरी ये प्रार्थना सुन मेरे परमात्मा। क्या प्रार्थना है? भक्त कहता है, मैं सदा तेरी शरण में रहूं और तेरी शीतल छाया में बैठकर तेरा नाम सिमरन करूं। तू मुझे अपनी शीतल छाया में सदा स्थान देना, ताकि मैं वहां शांत एकांत बैठकर तेरे गुणगान करता रहूं और संसार की माया मोह मुझे घेर न सके, मेरे मन में वासना न आने पाए और मेरा मन चंचलता में न जा सके। इस कारण हे परमेश्वर, जहाँ तेरी शीतल छाया होती है वहाँ पाप ताप नहीं आ पाता, इसलिए तू अपनी कृपा सदा बनाए रखना और मैं तेरी चरण शरण का आश्रय सदा सदा अनुभव करता हूँ और हर समय तेरे ध्यान में रहकर
संसारी कर्म करते हुए तुझे कभी न भूलूं, क्योंकि तेरे पावन नाम में जो रमा रहता है उसके पास कभी बुराई नहीं आती और न ही कोई कष्ट क्लेश व्याप्त होता है और न ही उसके अंदर कुविचार आ पाते हैं। वे सदा तुझ अनंत में ही समाया रहता है। हे जगत की पालना करने वाले, तू मुझे अपनी ऐसी प्रीत और श्रद्धा तथा विश्वास देना, ताकि मैं कभी भी तेरे देव द्वार से निराश ना जाऊं। मेरे सिर पर सदा तेरा हाथ रहे, मेरे हर कर्म में तेरी ही प्रेरणा हो, हर विचार में तेरा ही आशीर्वाद हो। ऐसी कृपा तू मुझ पर बनाए रखना, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं सदा तेरे भक्त जनों की सेवा में लीन रहूं और तेरे प्यारे साधकों के काम करता रहूं। मेरी मानव देह में कभी आलस ना आए, ऐसा करते हुए ऐसे लीन हो जाऊं जैसे सागर में मीन निर्भय रहती है, आनंद को पाती है। जैसे एक योगी भक्ति गंगा में डूबा हुआ उसमें लीन रहता है, मेरी सेवा में कभी स्वार्थ न आए, मेरा जीवन सदा निष्काम सेवा के मार्ग पर चलकर तेरे ही भजनों को गाता रहे और तेरे जय जय के नादों को सुनता हुआ तेरे में समाया रहे। मुझे ऐसी शक्ति दे मेरे दाता कि मुझे जो संसार में मिले मैं उसके आगे तेरा ही यशगान करूं और खुद सिमरन करता हुआ औरों को भी नाम जपने की लगन लगाऊं और उन्हें भी तेरे प्रेम की असीम गंगा का स्नान कराऊं। तो मुझ पर ऐसी करुणा कृपा कर, अपना बालक जानकर अपनी गोद में ले, अपना प्रेम मुझ में भर। मैं जैसा भी हूँ तेरा ही हूँ, इसलिए अपनी दया का करुणा का मुझे पात्र समझकर अपनी भक्ति गंगा में डुबा ले। हे सर्वशक्तिमान, हे देव अपनी दया का दान दे। हे दीन बंधु भगवन, मैं तेरे इस परम द्वार से दया का दान मांगने आया हूँ, तो मुझे निराश मत करना। अपना जानकर इस शरीर रूपी दीपक में अपने प्रेम का तेल डाल, इस दीपक को अपने ज्ञान का प्रकाश देकर अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर दे। हे परम प्रकाश प्रभु, तुम ही सूरज का प्रकाश देने वाले हो। हे तेजोमय परम पुरुष परमात्मा, तुझे नमस्कार करता हुआ तुझसे यही मांगता हूँ कि तू मुझे अपना पावन ज्ञान दे और मेरे तम का नाश कर। सदा यही साधक मांगता है कि हे परमात्मा, कि मैं सदा हरी 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 गाता हुआ तेरे इस प्रेम का अमृत पीता रहूं, पीता रहूं, पीता और पिलाता रहूं। हरी 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 तो पाता जा, आनंद शांति तो पाता जा। हरी 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 तो पाता जा, आनंद शांति तो पाता।
जा हरी 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 तू गाता जा।
हरि बोल। ऐसा बना मुझको प्रभु, तुझ में रहूं सदा लीन, मोह ममता के जाल से बनू न जन का दीन, सदा खेलूं तेरी गोद में, ममता महिमा बालक तुझके पुकारता, पकड़ो अब मेरी बाँ, पकड़ो अब मेरी बाँ, पकड़ो अब मेरी बाँ। हरि बोल राम बोल, 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 मिले अपना घर मुझे, करूं शीघ्र प्रवेश, हरि मिले हरि नाम में, ध्यान समाधि लगाए, मन पवित्र जब हुआ, प्रभु दर्शन हो जाए, प्रभु दर्शन हो जाए, प्रभु दर्शन हो जाए। हरि बोल राम बोल, 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 हरि बोल राम, हरि बोल राम बोल, 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 हरि बोल संसार वालों, तुम संत को कहते हो, बहुत पीड़ा में हूं, ये संसार बहुत कष्ट देता है, कोई कहता है ये रिश्ता कष्ट देता है, कोई कहता है कोई दुख देता है, दुख के कई कारण हो सकते हैं, ये संसार कहते हो दुखों से भरा है, तो संत कहते हैं हे भाई हरि बोल राम बोल, हरि बोल राम बोल, हरि बोल राम बोल, नहीं आता ये नाम जीवा पे, नहीं आता
वही संसार की बातें ही आती हैं। नहीं, आप मेरा दुख दूर कीजिए, आप मेरा कष्ट मिटाइए। संत कहते हैं, हरी 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 तो गाता जा, आनंद शांति तो पाता जा। मानता है संसार? तुम कहते हो मेरे रोगों की दवा कीजिए, मेरे कष्टों का निवारण कीजिए। संत कहता है, हरी बोल। अरे भाई, तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारे रोगों की यही दवा है, तुम्हारे दुखों का यही निवारण है। वो तुम्हें निवारण ही तो बता रहे हैं, करके तो देखो, ये दवा लेकर तो देखो। क्योंकि संत के पास तो केवल यही है, और वही वो तुम्हें समझा सकता है, और फिर वो तुम्हें वो निवारण करने को कह रहा है जो उसने स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर लिया है। वो तुम्हें केवल पढ़ी हुई बातें, सुनी हुई बातें, कही हुई बातें नहीं बता रहे। जो संत ने आनंद शांति पा ली है, उसके प्रेम का रस चख लिया है, वही तुम्हें करने को कह रहे हैं। हरी 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 तू गाता जा, आनंद शांति तू पाता जा, तन मन राम रमाता जा, परम प्रभु को ध्याता जा। हरि ओम गाता जा, प्रेम की गंगा बहाता जा, ईश्वर ज्ञान तू पाता जा, है वह एक बताता जा। एक बार करके देखो, जान भी नहीं पाओगे मेरे दुख कष्ट कहां भाग गए। क्योंकि हृदय मन तन उसके प्रेम से जितना भरते जाएंगे, उतना ही दुख और कष्ट भागते जाएंगे। क्योंकि क्या है ये दुख, एक अनुभूति ही तो है ना। तो जब उसके आनंद से भर गए, तो केवल और केवल वही रह जाएगा। दीन दुखी की कर सेवा, हृदय प्रेम जगाता जा। अपने दुख को भूलने का यही मार्ग है जो ये फकीर गा गा के बता रहा है। जब दूसरों की सेवा में लग जाओगे, जब अपने से बड़े दुखी को देखोगे,
उसके दुखों को दूर करने की चेष्टा करोगे तो अपने दुख बहुत छोटे लगेंगे। मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए सतगुरु ने हमें ये निष्काम सेवा का मार्ग दिखाया है। गुरु तो केवल तुम्हें मार्ग ही दिखा सकते हैं, चलना तो तुमने ही है। यदि केवल इसी में बस समझ लोगे कि हमने गुरु धारण कर लिया, हमने नाम दान ले लिया, नहीं, ये तो केवल एक शुरुआत है। जो बीज अंदर डला है उसको वृक्ष भी बनाना है, तभी उस पर शांति आनंद के फल लगेंगे। जो गुरु ने सेवा कार्य दिए हैं, जब तक करोगे नहीं, केवल घर बैठे ही सोचते रहोगे हमें करना चाहिए, हमें करना है, इसी से बस नहीं है, निकल कर करने भी पड़ेंगे, जैसे आप लोग आजकल कर रहे हैं बहुत बड़ा सेवा का कार्य। रोज आप लोग फल के पौधे बांट रहे हैं, कितना कार्य हो रहा है। गुरु जी की इस संस्था में कितने लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि भाई जगह जगह जहां खाली स्थान मिलता है वहां फल के पेड़ लगाओ। आज सत्संग के पश्चात निष्काम सेवक ठाकुर कॉलोनी ये आश्रम के बिल्कुल नजदीक ही है, तो वहां पर यही सेवा का कार्य करने जा रही है, जो करीब पिछले एक महीने से इस वर्ष का जो ये पौधारोपण लहर है उसके अंतर्गत आप कर रहे हैं। वहां पर ये जो ठाकुर कॉलोनी है, कई दिनों से वो पौधे लगाने का काम कर रहे हैं, तो आज सत्संग के पश्चात हम सभी सेवक इकट्ठा होकर वहीं चलेंगे, कुछ और पौधे लगाए जाएंगे और पिछले पौधे भी सभी देखकर आएंगे कि कैसे सेवा के कार्य ये जो नए सेवक जुड़े हैं हमारे साथ वो कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त बहुत से लोग निष्काम की प्रेरणा से, जो निष्काम बार बार कह रही है कि इन दिनों में घरों में जो भी फल खाए जा रहे हैं उनकी गुठली, उनकी गिटक कोई भी कूड़े में नहीं फेंकेगा, तो कल ही ये जो ओमेक्स वालों की कॉलोनी है वहाँ से कई लोग इकट्ठे होकर ढेर सारी गुठलियाँ और बीज इकट्ठे करके निष्काम आश्रम में देकर गए हैं। बहुत खुशी होती है ये जानकर कि लोग ये प्रेरणा ले रहे हैं। तो आज हमारे बहुत ही प्यारे जो साधक परिवार है, कौशल परिवार, पेड़ लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें, हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी
अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए।